वेलकम टू केमिस्ट्री ट्रू नोट्स लेक्चर सीरीज। आज हम रेजोनेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंस के टोटल तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस क्या है, कैसा समझेंगे हम रेजोनेंस क्या है। सेकंड पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ रेजोनेंस क्या है, और थर्ड पॉइंट क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है। ये तीन में से आज हम रेजोनेंस के बारे में मालूम लेंगे। फिर रेजोनेंस के टाइप्स और रेजोनेंस एनर्जी, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, स्पेशली JEE में, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज हम समझेंगे कि रेजोनेंस किसे कहते हैं और इसका इनसाइट क्या है, ओवरव्यू क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस पेज पर मैंने 6 पॉइंट लिखा है। आप ये 6 पॉइंट याद रखिए, और बाद में 6 पॉइंट्स और है। अगर आपको ये 12 पॉइंट्स याद हो गए तो आपको रेजोनेंस पे पूरा कमांड आ जाएगा, 100% कमांड आ जाएगा। देखिए, हम शुरू करते हैं। पहले आप थोड़ा सरसरी पढ़ लीजिए रेजोनेंस बुक में से या नेट पर से क्या है, या यहीं समझते हैं। देखिए, रेजोनेंस इसका और एक नाम क्या है, इसे कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, और इसको हम R से डिनोट करते हैं। ये टोटली 100% हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि पूरा थ्योरेटिकल है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, याद रखिए कि रेजोनेंस क्या है, ये एग्जिबिटेड बाय ओनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब हमको बेसिक आइडिया मालूम होना चाहिए कि किसे कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि रेजोनेंस सिर्फ वही कंपाउंड्स बताएंगे जिनमें पाई बॉन्ड्स हैं। तो देखिए, 6 कंडीशंस हैं जिसमें रेजोनेंस जो बताते हैं जो कंपाउंड्स। देखिए, तो पहली कंडीशन क्या है कि मिनिमम 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है कि मिनिमम 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ वो कंपाउंड रेजोनेंस नहीं बताएगा। मिनिमम दो से ज़्यादा हो सकते हैं, 2, 3, 4। सेकंड कंडीशन क्या है, या तो उसमें 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए और 1 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये मिनिमम कंडीशन है, उसमें 1 पाई बॉन्ड, 1 नेगेटिव चार्ज, 2 पाई बॉन्ड, 1 नेगेटिव चार्ज, कुछ भी, ये मिनिमम कंडीशन है। बहुत सारे पॉसिबल लिंकिंग हो सकती है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो पाई बॉन्ड होना कंपलसरी है और साथ में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उसके एडजेसेंट कार्बन पे या एडजेसेंट एटम पे। फोर्थ कंडीशन क्या है, उसमें पाई बॉन्ड हो सकता है कंपलसरी है, या एडजेसेंट कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो ऑड इलेक्ट्रॉन रहा, उससे हम फिर रेडिकल बोलते हैं, वो भी चलेगा। और एक कंडीशन क्या है, फिफ्थ कंडीशन, पाई बॉन्ड रहा और पाई बॉन्ड के एडजेसेंट लोन पेयर रहा तो भी वो रेजोनेंस बताएगा। और लास्ट कंडीशन जो हमको याद रखना है वो ये है कि लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज रहा तो भी रेजोनेंस हमको मिलता है। ये 6 कंडीशन आपको याद रखना है। दोबारा देख लीजिए, 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट कंडीशन याद कर लीजिए, 1 पाई बॉन्ड, 1 नेगेटिव चार्ज। एक और कंडीशन क्या हो सकती है, पाई बॉन्ड यानी पॉजिटिव चार्ज। चौथी कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। पांचवी कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड लोन पेयर। छठी कंडीशन है लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। हम इसके एक एक एग्जांपल लेंगे। देखिए, इन दोनों में पाई बॉन्ड है इसलिए ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस बताएगा। इसको इस तरह भी बता सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए, इसमें 2 पाई बॉन्ड थे, हमने इस तरह बताया बॉन्ड लाइन फार्मूले में। देखिए, इसमें 3 पाई बॉन्ड है तो ये तो ज़रूर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताएंगा, रेजोनेंस बताएंगा, ये बताएंगा रेजोनेंस। ठीक है, इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं। ये हो गया ऐसे कंपाउंड जिसमें मिनिमम 2 पाई बॉन्ड या 3 या 4 भी हो सकते हैं। बेंजीन भी हो सकता है, बेंजीन भी ले सकते हो आप। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, ऐसे कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड होना और नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता है इस तरह रेजोनेंस, और ये बॉन्ड वो खुलता है ऊपर, तो आपको स्ट्रक्चर मिलता है। और ये जो साइन है, ये साइन, इसे कहते हैं हम रेजोनेंस का साइन। तो समझ में आया, आपको याद रखिए, इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। और हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि पाई बॉन्ड और साथ में पॉजिटिव चार्ज अगर हो जाए, तो ये पाई बॉन्ड देखिए और जैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। हमको याद समझना है ये एरो कैसा जाता है, और पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाता है, और हमको इस तरह रेजोनेंस मिलता है। देखिए, ये है रेजोनेंस। तो ये 2 स्ट्रक्चर है, ये एरो का मीनिंग है रेजोनेंस में है। उसी तरह देखिए, ये भी है साइक्लोप्रोपीन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो ये रेजोनेंस है। तो ये इसे पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस बताएगा। उसके बाद में देखिए, पाई बॉन्ड है और अगर रेडिकल है उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो भी क्या बताएंगा आपको, रेजोनेंस बताएगा। देखिए, पाई बॉन्ड या ऑड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ये होमोलिटिकली टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये और ये बॉन्ड बनाएगा, और आपको
इस तरह एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड अगर इलेक्ट्रॉन रहा, सिंगल इलेक्ट्रॉन या रेडिकल उसे कहेंगे हम, देखिए वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस बताता है। उसी तरह देखिए दो पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट है, डबल सिंगल डबल और उसके बाद में फिर रेडिकल है, तो ये भी क्या करेगा आपको रेजोनेंस बताएगा। लास्ट कंडीशन बट नॉट द लास्ट कंडीशन बट वन, लोन पेयर और अगर पाई बॉन्ड रहा तो देखिए लोन पेयर है और पाई बॉन्ड है, तो आप देखोगे कि ये इधर शिफ्ट होगा ये बाय बॉन्ड के लिए यहाँ, और ये यहाँ शिफ्ट होगा और आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि आपको ये बताएगा कि इसमें रेजोनेंस है और वो इस तरह होगा। ठीक है, यस राइट। नेक्स्ट कंडीशन देखिए जो सिक्स्थ है, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, देखिए तो ये इससे बॉन्ड बनाता है इस तरह, यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए ये इस तरह शिफ्ट होगा और आप देखोगे कि ये इस तरह, ये इस तरह रेजोनेंस बताता है, इसलिए इसी भी क्या कहेंगे हम रेजोनेंस में भी है इसमें भी। छः ये कंडीशंस हो गई, छः कंडीशंस जिसमें हम समझ रहे हैं कि रेजोनेंस के लिए कंपलसरी कंडीशंस है, इसके अलावा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। फिर एक नया वर्ड है रेजोनेंस हाइब्रिड, किसे कहते हैं है, किसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, तो देखिए हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे रेजोनेंस में, यहाँ दो स्ट्रक्चर देखिए, इन दोनों को कहेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दोनों का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर रहेगा उसे कहेंगे हम रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बहुत स्टेबल होता है, याद रखिए, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये देखिए ये बेंजीन में तीन बॉन्ड है, ये तीन बॉन्ड क्या होते हैं, ये इस तरह जाता है, ये इस तरह जाता है, ये इस तरह आता है और आपको स्ट्रक्चर मिलता है। फिर ये दोबारा क्या होता है, ये दोबारा इस तरह जाता है, ये इस तरह जाता है, इस तरह जाता है और ये और इंटरकनवर्टिबल है और आपको स्ट्रक्चर जो मिलता है वो इस तरह बनाया जाता है। एक और स्ट्रक्चर देख लीजिए, देखिए हम समझ रहे हैं व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये देखिए ये लोन पेयर इधर इन्वॉल्व होंगी तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये दोनों को कहेंगे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल और ले लीजिए, ये देखिए इसमें दो नेगेटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ जाता है तो ये बॉन्ड ओपन होता है और हमने देखा है इसमें दो पाई बॉन्ड है, ये रेजोनेंस इस तरह बताएंगे जो पहली कंडीशन थी, छः कंडीशन में से दो पाई बॉन्ड वाली इस तरह, ये और इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर आएगा तो आपको स्ट्रक्चर ये मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा शिफ्ट होता है। और स्ट्रक्चर एग्जांपल ले लीजिए, देखिए पॉजिटिव और बाय बॉन्ड इस तरह जाता है, ये आपको मिल गया और इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाते हैं, राइट। एक स्ट्रक्चर एग्जांपल और देख लीजिए, देखिए इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड ये अगर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है और फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ घूम रहा है, यहाँ से यहाँ घूम रहा है, तो उसको हाइब्रिड को किस तरह बताते हैं हम, देखिए इस तरह बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ घूम रहा है, पूरे रिंग में नहीं घूम रहा है, ये कार्बन जो है ये कार्बन sp3 कार्बन है, इसलिए वो वहाँ पे नहीं घूम रहा है। तो देखिए ये हम यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि और रेजोनेंस में कौन से स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं और उसकी कंडीशंस क्या क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको। थैंक यू।